आदिशंकराचार्य जी का एक गीत प्रस्तुत करूंगा। आदिशंकराचार्य जी जो निराकारवादी के जो जनक थे, आज हम विश्व में जहां कहीं भी निराकारवादी की फिलोसफी समझते हैं, उनके जनक आदिशंकराचार्य थे, जो आज से लगभग 1200 साल पहले उन्होंने निराकारवादी फिलोसफी का फाउंडेशन रखा था। वो समय और परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार के उस समय लोग थे, उन्होंने निराकारवादी की फिलॉसफी दी ताकि जो जन सामान्य वो आध्यात्मिक जीवन में आगे उन्नति कर सके। और अंत में उन्होंने कह दिया था कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, कि इस भव सागर से अगर तरना है तो गोविंद को ही भजना पड़ेगा, निराकारवादी से आगे बढ़ के गोविंद के सुंदर रूप पे ध्यान लगाना ही पड़ेगा, तभी आगे जाके आध्यात्मिक जीवन की जो परम लक्ष्य है उसको पा सकोगे। तो निराकारवादी और आकारवादी में एक वीडियो और बनाऊंगा फिलोसॉफी का। अभी आदिशंकराचार्य जी का ये गीत प्रस्तुत है। भज गोविंद भज गोविंद समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। तो इन्होंने बता दिया है कि वेदों में व्याकरण के प्रति ज्यादा आसक्ति रखना, कि वो क्या है, आजकल मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो आते हैं व्याकरण में इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है, वेदों की मीनिंग निकाल रहे हैं, व्याकरण में इतने व्यस्त हो गए कि जो वेद जिसलिए जिस कारण से बनाए गए थे उसका जो मूल जो रस है सार जो है उसको ग्रहण नहीं करते। तो ये बोल रहे हैं कि भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूल बते, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण तुम्हारे काम नहीं आएगी, गोविंद का नाम ही काम में आएगा। और ये आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, निराकारवादी के जनक। आगे बोलते हैं वो, यावद्वित्तो पार्जन सक्ताः तावन निज परिवारो रक्ताः पश्च जीवति जर जर देहे वार्ता को बिना पृच्छति गेहे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसमें वो बोलते हैं आगे, जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अशक्त हो जाने पर उसको सामान्य बातचीत में भी याद नहीं किया जाता। इसमें गृहभेदियों के लिए मेनली आदिशंकराचार्य बोलते हैं, जो अपने परिवार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि गोविंद का नाम लेना भूल जाते हैं, जाते हैं कि उनको परिवार वाले तब तक ही ध्यान रखते हैं जब तक वो धन उपार्जन में सशक्त हैं, और जैसे ही वो उनके जो सामर्थ्य निकलता है तो उनको अपनी सामान्य बातचीत में भी परिवार वाले याद नहीं रखते। आगे बोलते हैं वो, बालस्तावत क्रीड़ा सकता तरुणस्तावत तरुणी चिंता सकता परिब्रह्मणि को
ये बोलते हैं, बचपन में खेल में रुचि होती है, युवावस्था में युवा स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे रहते हैं पर प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता। तो उन्होंने जीवन की अवस्थाएं बताई हैं, कैसे कैसे आदमी किन किन प्रलोभन में अपना जीवन व्यतीत कर देता है लेकिन प्रभु प्रेम को नहीं प्राप्त पाता, जिसके लिए उसको ये मनुष्य जीवन मिला था। आगे बोलते हैं, जटिलो मुंडी गुंजित केश पाशायांबर बहुकृत वेश पश्यन्नपि जना पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम। अर्थात बड़ी जटाएं, केश रहित सिर, बिखरे बाल, भगवा वस्त्र और भांति भांति के भेष, ये सब अपना पेट भरने के लिए धारण किए जाते हैं। अरे मोहित मनुष्य, तुम इसको देखकर भी क्यों नहीं देख पाते? तो इसमें वो जो पाखंडी बाबा आजकल जो मिलते हैं उनके लिए उन्होंने कटाक्ष कटा है कि ऐसा नहीं है कि सच्चे साधु लोग हमें नहीं मिल पाते, सच्चे साधु लोग भी इस जीवन में पाए जाएंगे, वो हमारे को ढूंढना पड़ेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो यहाँ पे उन्होंने ये पाखंडियों के लिए बोला है जो भगवा वस्त्र और जो अपना ये तरह तरह का वेश धरते हैं, सिर्फ किसके लिए? अपना पेट भरने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने बोला है ये चीज़ें अपने को मृत्यु के समय नहीं बचाएंगी, इसलिए वे गोविंद का नाम भजो। अग्रे वाहनी पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानो करतल भीक्षा तरुतल वासा तदपि न मुंचत आशा पाशा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज के बाद रात्रि में आग जलाकर और घुटनों में सिर छुपाकर सर्दी बचाने वाला, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधनों को छोड़ नहीं पाता। इसमें जो तपस्वी हैं, बड़े बड़े तपस्वी भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाते। तो गोविंद का नाम ही है ऐसा जो आदमी की सब इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे विश्वामित्र थे, उन्होंने तपस्या करी थी लेकिन मेनका की एक झनकार से उनका जो तप है वो टूट गया था। वहीं पे नरसिंह मेहता, हरिदास ठाकुर जी जो सदैव श्री कृष्ण के भजन में लीन थे, उनकी जो भक्ति उनसे उनको कोई हटा नहीं सका। इसलिए गोविंद का नाम ही इस संसार में सबसे बड़ा रास्ता है। आगे बोलते हैं, भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृद पीयेन मुरारि समर्चा क्रियते त्यस्य मेन न चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम। अर्थात जिन्होंने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल का कण भर भी पिया है, भगवान कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, यम के द्वार उनकी चर्चा नहीं की जाते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटरे शयनम ई संसारे बहुत सितारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंद
बार-बार मृत्यु, बार-बार मां के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरे इससे रक्षा करें। दिन्यामिन्यो सायम प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालय ग्रीडति गच्छत आयो तदपि न मुञ्चत आशा वायु भज गोविन्दमा भज गोविन्दमा गोविन्दम भज मूढ़मते भज गोविन्दमा। अर्थात दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, पर इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। गेयम गीता नाम सहस्त्रम धेयम श्रीपति रूपम जस्त्रम नियम सज्जन संगे चेतम दीन जनाय च वेतम भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते भज गोविन्दम। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करो, सज्जनों के संग में अपने मन को लगाओ और गरीबों को अपने धन से सेवा करो। तो यहाँ पे वो निराकार ना होते हुए भगवान के सुंदर रूप को और उस पे ध्यान लगाने पर अपने को मार्गदर्शन करते हैं अपना। आगे बोलते हैं, प्राणायामम प्रत्याहारम समेत समाधि विधानम पूर्ववधानम महदवधानम भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते भज गोविन्दम। अर्थात प्राणायाम, उचित आहार, नित्य संसार की अनित्यता का विवेक पूर्ण विचार, प्रेम से प्रभु का नाम जप करते हुए समाधि में ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हमें प्रभु के नाम का जप करते रहना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और प्रत्याहार भी करना चाहिए, ना ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए। और उनको योगा दिवस भी मनाया गया था, तो योगा दिवस अपने आप में योग और प्राणायाम बेस्ट प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन है। हमारे एलोपैथी में एक सब्जेक्ट है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो जहाँ तक मेरा मत है तो योगा से बढ़िया प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन कोई सी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्राणायाम करके आप हेल्दी रहेंगे, आपका मन स्वस्थ होगा, तो ईश्वर का जप और अच्छे से होता है। तो उसमें ये बताते हैं शंकराचार्य जी, और आगे बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नाम स्मराणाय अन्य उपायम नहीं नहीं श्यामो भव तरणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम। वो अर्थात गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भव सागर से पार जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो यहाँ पे भी भगवान के नाम की ही महिमा का वर्णन है।
और जितने भी महान संत हुए हैं उन सब ने भगवान के नाम का ही महिमा का वर्णन किया है। इसलिए हमें इस कलयुग में जितना समय हमसे हो सके प्रभु के नाम जप का समय निकालना चाहिए और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। इसी के साथ ये गीत यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण।